तो कैसे हैं दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पैशन ऑफ ग्राफिक्स में। तो चलिए आज सीखते हैं कैसे किसी इमेज के पीछे से व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ कि हमें व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव करना क्यों है, हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपको एक पोस्टर मैंने कॉरलड्रॉ में ओपन करा। तो जैसे कि मैंने ये पोस्टर डिज़ाइन करा है, तो इसके ऊपर मेरे को ये रूम हीटर की फोटो लगानी है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो हमें ये रिमूव करना होगा। तो हम ये इजीली कैसे फोटोशॉप में कर हाँ सकते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए हमें फोटोशॉप ओपन करना रहेगा। उसके बाद जिस भी फोटो का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है उस फाइल को ओपन कर लीजिए फोटोशॉप में। तो मैंने ये यहाँ ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये आप देख सकते हैं लेयर में ये लेयर लॉक हो रखी है, इसको हमें अनलॉक करना होगा। तो इसके लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा तो ये अनलॉक हो जाएगी। देखिए, तो इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर वाइट बैकग्राउंड है पीछे, मतलब कोई भी सिंगल कलर है, तो उसे आप इजीली मैजिक वैन टूल से इरेज कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आप यहाँ से मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फोटोशॉप 7 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी वर्जन देख लीजिए, उसमें आपको इजीली ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसको आप ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से टॉलरेंस चेक कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको मैजिक वैन टूल से कर लिया है सिलेक्ट। तो उसके बाद मैं डिलीट प्रेस कर दूंगा, डिलीट। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली ये अपना काम हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इस बैकग्राउंड में कलर फिल करके कि कितना अच्छे से हुआ ये। तो देखिए कितना इजी था इसका वाइट बैकग्राउंड रिमूव करना। तो मैं अब आपको ये उसी पोस्टर में लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसी अब वहाँ पे अच्छी लगेगी फोटो। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, आप इसको ट्रिम कर सकते हैं एक्स्ट्रा एरिया को। उसके लिए आप इमेज में जाइए, ये ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, ट्रिम कर दीजिए, ट्रांसपेरेंट पिक्सल पर रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। ये आपका ट्रांसपेरेंट बिल्कुल हो गया है, एक्स्ट्रा एरिया भी क्रॉप हो गया है। आप इसको सेव करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि इस फाइल को हमेशा PNG फॉर्मेट में सेव करें, ताकि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बरकरार रहे। तो हमेशा आप इसको PNG फॉर्मेट में सेव कीजिए। तो आपके सामने देख सकते हैं मैंने इसको PNG फॉर्मेट सेव कर लिया है। तो ये सेव हो रही है। जैसे ये फाइल सेव हो जाती है, तो मैं आपको इसको इस पोस्टर में लगा के दिखाता हूँ कि अब ये वहाँ पे कैसी लगेगी। तो देख लेते हैं, अभी सेव हो रही है। तो देखिए ये सेव हो चुकी है फाइल। अब मैं आपको इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ उस पोस्टर में, अब ये कैसी लगेगी। देखिए पहले ये थी विद बैकग्राउंड, ये विदाउट बैकग्राउंड। अब मैं आपको ये रख के दिखाता हूँ इसके ऊपर, ये वाली मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो इसलिए हमें वाइट बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। किसी भी डिज़ाइन में हमें कोई फोटो लगानी हो तो वाइट बैकग्राउंड उसका रिमूव करना पड़ता है। तो मैंने आपको इजीली सिखा दिया कैसे आप इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसी ही ग्राफिक रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। थैंक यू।